भी ऊपर जा सकता है। इस बीच अंजलि बत्रा ने वोडाफोन आइडिया पर सवाल भेजा है। उनके पास 4000 शेयर है जो उन्होंने 13.3 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है और पिछले कुछ दिनों से जब से ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज को लेकर स्टॉक फोकस में रहा है। तभी कुछ गिरावट भी दिखी थी, उसके बाद कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे। 10.9 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी वोडाफोन आइडिया पर? ये स्टॉक अपने 200 DMA को ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है और वहां से हमें एक लॉन्ग विक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 9 to 8, और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और यहाँ से स्टॉक अगर ये हमारे मेंशन लेवल को डिफेंड कर जाता है तो आने वाले समय में मैं फिर से 15 से लेकर 16 के लेवल तक एक पुल बैक मूव दिखा सकता है। तो ये राय है वोडाफोन आइडिया पर, लेकिन जाते जाते आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए।